पावर हाउस स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओवरब्रिज अपने पुराने स्वरूप में लौट चुका है। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की पहल से ओवरब्रिज का पूरी तरह से कायाकल्प हो चुका है। हालांकि ब्रिज का संधारण कार्य अंतिम चरण में होने की वजह से इसे 4 जून से बंद रखा गया है। शीघ्र ही इसे लोगों की आवाजाही के लिए प्रारंभ कर दिया जाएगा। कुछ माह पूर्व तक ब्रिज पूरी तरह से जर्जर अवस्था में नजर आता था, जो आवाजाही के लिए पूरी तरह से अनुपयोगी था, जिससे यहाँ से गुजरते वाहन चालक काफी भयभीत रहते थे। अब ब्रिज का कायाकल्प हो जाने से निश्चित रूप से लोगों को राहत मिलेगी। वर्षों पूर्व पावर हाउस में बनाया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ओवरब्रिज जो कि पूरी तरह से जर्जर हो चुका था, इसके दोनों ओर लगी जो लगे हुए थे तमाम तरह की चीज़ें चोरी हो चुकी थी, और इस रोड से आवाजाही करना मतलब दोपहिया वाहन हो चाहे चौपहिया छोटे वाहन उनके लिए मुश्किल हो चुका था। लेकिन भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की पहल से एक बार ये ब्रिज पुनः अपने अस्तित्व की वो पा चुका है, पुनः अपने मूर्त रूप में आ चुका है। आप देख सकते हैं कि ये ओवरब्रिज का पूरी तरह से संधारण किया जा चुका है, आवाजाही के लायक इसे बना दिया जा चुका है। क्योंकि इस ब्रिज से लगातार भारी वाहनों की आवाजाही 24 घंटे बने रहती है। BSP के वाहनों की चाहे ACC के वाहनों की आवाजाही बने रहती है, निजी वाहनों की, इसकी वजह से पूरी तरह से जर्जर हो चुका था। और इसमें छोटे से दोपहिया वाहन चालकों को आवाजाही के लिए काफ़ी मशक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसे देखते हुए भिलाई नगर विधायक द्वारा इस ब्रिज के संधारण के लिए काफ़ी प्रयास किया गया, जिसका नतीजतन आज यह ब्रिज अपने मूल रूप को पुनः लौट चुका है। इसके रख रखाव को लेकर के हालांकि जिला प्रशासन को एक कार्य योजना तैयार किए जाने की जरूरत है, जिससे ब्रिज पूरी तरह से इस तरह अभी आज की तारीख में देखा जा रहा है, आने वाले लंबे वक्त तक इसी रूप में नजर आए। हालांकि इस ब्रिज पर भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित किए जाने की जरूरत है। इसके पूर्व भी भारी वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने को लेकर यहाँ पे नो एंट्री का बोर्ड भी लगाया गया था, जो कि केवल दिखावा मात्र साबित हो रहा था। अब ब्रिज पूरी तरह से अपने अस्तित्व में आ चुका है, आवाजाही के लायक। हालांकि अभी यही से बंद किया गया, कार्य लगभग अंतिम चरण पे है, अभी बंद किया जा चुका है। आने वाले दिनों में ये पुनः लोगों की आवाजाही के लिए इसे खोल दिया जाएगा। इसे व्यवस्थित रूप से बनाए रखने, इसे जीवित बनाए रखने के लिए इसके रख रखाव को लेकर के शासन प्रशासन को एक कार्य योजना तैयार किए जाने की जरूरत है, जिससे इस ओवरब्रिज का लाभ लंबे समय तक लोगों को मिल सके। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए गौरव तिवारी के साथ संजय दुबे।